हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और सी प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ के एक और वीडियो लेक्चर में मैं आज आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम बनाया था, जिसमें हमने यूज़र से दो नंबर लिए थे। नंबर लेने के बाद हमने एक मेन्यू बनाया था सेलेक्ट एन ऑपरेशन का। चार हमने उसमें मेन्यूज़ दिए हुए थे, ऑप्शन दिए हुए थे चार। वन प्रेस करेगा यूज़र तो एडिशन परफॉर्म हो जाएगा, टू प्रेस करेगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, थ्री प्रेस करेगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो अब इसी प्रोग्राम में मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आज करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 लिखा है, मैं इसकी जगह पे सपोज लिखना चाहता हूँ, एडिशन के लिए मैं चाहता हूँ ए। अगर यूज़र को एडिशन करना है तो वो ए प्रेस कर दे, ठीक है। और अगर उसको सब्ट्रैक्शन करना है तो वो एस प्रेस कर दे, मल्टीप्लिकेशन करना है तो एम प्रेस करे, और डिवीज़न करना है तो डी प्रेस करे, ठीक है। तो मैंने बस ये चेंज कर दिया यहाँ पे, पहले 1 2 3 4 लिखा था, अब यहाँ पे मैं ASMD ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब कैरेक्टर्स में यहाँ पे यूज़र से इनपुट करवा रहा हूँ। तो अगर मैं कैरेक्टर इनपुट करवा रहा हूँ तो मुझे यहाँ भी कैरेक्टर लेना पड़ेगा, एंटर योर चॉइस में। अगर यूज़र को मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो क्या प्रेस करेगा, एम प्रेस करेगा, ठीक है। एम प्रेस किया तो एम के आगे क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई, तो हमारा काम है हम मल्टीप्लिकेशन दिखा दें, ठीक है। बाकी सब मैंने वैसा ही रखा, बस चेंजेस मैंने क्या कर दिए, यहाँ पे जो मेन्यू था उसमें 1 2 3 4 की जगह ASMD लिख दिया, एडिशन के लिए ए, पहले लिखा हुआ था एडिशन के लिए 1, सब्ट्रैक्शन के लिए 2, अब लिखा है सब्ट्रैक्शन के लिए एस, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 था तो हमने एम कर दिया, डिवीज़न के लिए पहले 4 लिखा था तो हमने डी लिख दिया। फिर यूज़र ये अल्फ़ाबेट देखेगा और प्रेस करेगा, और उस अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ऐसा करने में कहाँ कहाँ पे चेंज आएगा, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको कहूँगा कि पहले आप उसको देखिए, क्योंकि मैं ये पूरा शुरू से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं हालांकि आपको थोड़ा बहुत समझा ही देता हूँ। सबसे पहले अपन ने हेडर फाइल डाली, हेडर फाइल के बाद मेन फंक्शन, दो हमें यूज़र से नंबर लेना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमें यूज़र से ये दो नंबर्स लेना है। तो दो नंबर्स हम रखेंगे इन दो वेरिएबल्स के अंदर, ए बी के अंदर, और यहाँ पे हमें यूज़र से कैरेक्टर लेना है। पहले हम तीन नंबर्स ले रहे थे, दो यहाँ जिनको हमें जिनके ऊपर हमें ऑपरेशन अप्लाई करना था, और एक नंबर यूज़र की चॉइस के लिए था। लेकिन अब जो चॉइस में हम ले रहे हैं वो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, तो ये जो चॉइस था इसको मैंने इंटीजर ना रखते हुए कैसा बना दिया, कैरेक्टर टाइप का बना दिया, ठीक है। जो चॉइस नाम का वेरिएबल था मैंने उसको इंटीजर ना रखते हुए कैरेक्टर टाइप का बना दिया, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़र से कैरेक्टर डेटा इनपुट करवा रहे हैं। तो पहला चेंज तो ये आ जाएगा। उसके बाद हमने यूज़र से दो नंबर इनपुट करवाए, मैसेज दे दिया एंटर एनी टू नंबर्स, दोनों नंबर इंटीजर फॉर्मेट के थे तो दो बार परसेंटेज डी आ गया। फिर हमने मेन्यू बनाया सेलेक्ट एन ऑपरेशन। अब मेन्यू बनाया तो मेन्यू में अपन ने कुछ यहाँ चेंज किया, पहले 1 2 3 4 लिखा था, अब ASMD लिख दिया तो वो चीज़ यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। एडिशन के आगे हमने ए लिख दिया, सब्ट्रैक्शन के आगे एस, मल्टीप्लिकेशन में 3 हटा के एम कर दिया, डिवीज़न में 4 हटा के डी कर दिया। फिर एंटर योर चॉइस का मैसेज, और इस बार जो हम चॉइस वेरिएबल के अंदर डेटा लेंगे वो कैरेक्टर टाइप का नहीं, वो सॉरी इंटीजर टाइप का ना लेते हुए कैरेक्टर टाइप का लेंगे। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज सी कर देता हूँ। ठीक है, और स्विच के अंदर जो केसेस हैं वो बदल जाएंगे, क्योंकि चॉइस के अंदर तो इस बार यूज़र अल्फ़ाबेट के फॉर्म में डेटा डालने वाला है, ए बी सी अप टू सोन। तो यहाँ पे मैं केस 1 2 3 की जगह केस ए,
एडिशन के लिए ए है मेरा, और आपको पता ही है कि अल्फ़ाबेट को मतलब जो कैरेक्टर होता है उसको सिंगल कोड में रखना है। सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने एस ले लिया, मल्टीप्लिकेशन के लिए एम, डिवीज़न के लिए डी। ठीक है, इतना कर दिया। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और चला के देखता हूँ। अभी भी जो है एक प्रॉब्लम आएगी, आप एक प्रॉब्लम फेस करेंगे। ठीक है, चॉइस नाम की वेरिएबल के अंदर अगर ए होगा तो हम एडिशन करवा देंगे, एस होगा तो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलाते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम आने वाली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया। रन पे जाके रन कर दिया तो दो हमने नंबर डाल दिए, टू और थ्री डाल दिया मैंने। कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं, पहला नंबर ए नाम के वेरिएबल में, दूसरा बी में जाएगा। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ गया, सेलेक्ट एन ऑपरेशन। मतलब ये मेन्यू तो हमें डिस्प्ले हो गया जैसा मेन्यू हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, जो मेन्यू मैंने यहाँ पे दिखाया ये भी आ रहा है, फिर एंटर योर चॉइस का मैसेज भी आ गया, लेकिन ये हमें एम एंटर करना था, एम एस इसमें से कुछ भी जो एंटर करना था वो हम एंटर नहीं कर पाए। ठीक है, एंटर नहीं कर पाए और आपका ये डिफ़ॉल्ट वाला मैसेज आ गया, रॉन्ग चॉइस ट्राई अगेन। मैंने तो कुछ एंटर ही नहीं किया, एंटर करने के लिए स्क्रीन रुकी ही नहीं, मैंने कुछ डेटा डाला ही नहीं और मैसेज आ गया रॉन्ग चॉइस ट्राई अगेन। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है, अगर आपने मेरे पहले कुछ लेक्चर्स देखे होंगे तो आपने एफ फ्लैश फंक्शन को पढ़ा होगा। उस समय मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी आप क्या करते हैं, दो किसी इंटीजर के बाद आप कैरेक्टर अगर इनपुट करवाते हैं, इंटीजर के बाद कैरेक्टर या कैरेक्टर के बाद कैरेक्टर या डबल के बाद कैरेक्टर या फ्लोट के बाद कैरेक्टर लेते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम फेस होती है, क्योंकि जो एंटर बच जाता है बफर में वो चले जाता है कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर। तो हमें बफर मेमोरी को क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, कीबोर्ड बफर को आपको क्लियर करना पड़ता है एफ फ्लश का यूज़ करते हुए। तो जहाँ पे आप कैरेक्टर इनपुट करवा रहे हैं उससे पहले आप एफ फ्लश लगा देंगे। एफ फ्लश के बारे में अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने एफ फ्लैश को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप उनको देखें तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एफ फ्लैश एसटीडी इन लगाया, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट मींस कीबोर्ड, कीबोर्ड बफर को मुझे क्लियर करना है। अब मैं दोबारा से चलाता हूँ, अब आप देखेंगे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, अब हम डेटा फिल कर पाएंगे। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, मैंने टू डाला थ्री डाला। अब आपकी स्क्रीन रुक रही है यूज़र से डेटा लेने के लिए, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया एम, तो मल्टीप्लिकेशन आ गया। या मैं कुछ दूसरा प्रेस करता हूँ, फिर मैंने दो नंबर डाल दिए, फोर फाइव डाला। इस बार मैंने मुझे एट करना है तो मैंने ए पास कर दिया, तो एडिशन आ गया नाइन। ठीक है, तो जो भी लेटर आप डालेंगे, ए एस जो भी मेन्यू में आपको दिया हुआ है, मैंने नाइन और एट डाल दिया। इस बार मैं डिवीज़न करना चाहता हूँ तो मैंने डी लिखा, एंटर किया तो डिवीज़न आ गया। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम सही तरीके से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि ये प्रोग्राम आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, प्रोग्राम तो मैंने इससे पहले समझाया हुआ था इसको काफ़ी डिटेल में, इसमें भी हालांकि मैंने बता ही दिया है। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के ही बने हुए प्रोग्राम में कुछ माइनर चेंजेस करके इसको बनाया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।